क्लास 11th एनसीईआरटी प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 16.1 में हम लोग यहाँ पे थर्ड प्रॉब्लम देखेंगे। थर्ड प्रॉब्लम में क्या करना है, अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। जब एक कॉइन को 4 बार टॉस किया गया है तो उसमें हमें एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस बताना है। तो यहाँ पे देखिए, थर्ड प्रॉब्लम में हमको सैंपल स्पेस बताना है। सैंपल स्पेस को हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सैंपल स्पेस क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है कॉइन को 4 बार उछाला गया है। तो कॉइन को जब हम पहली बार टॉस करते हैं तो पॉसिबिलिटी अगर हम देखें आउटकम की, पॉसिबिलिटीज़ हैं कॉइन को टॉस करने में हेड आने की या टेल आएगा। अब एक टॉस के बाद नेक्स्ट टॉस में पॉसिबिलिटी क्या होगी, 2 पॉसिबिलिटी तभी भी होंगी, हेड आएगा या टेल आएगा। टेल आने के बाद अगर हम देखें तभी भी क्या होगा, हेड आएगा टेल आएगा। ये हो गया हमारा सेकेंड टॉस, ये हो गया फर्स्ट। थर्ड टॉस में हम देखें, इसी तरीके से हम ट्री डायग्राम बना सकते हैं, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। तो ये हो गया हमारा थर्ड टॉस। फोर्थ टॉस में देखें फिर क्या पॉसिबिलिटी होगी, हेड टेल, हेड टेल, इसी तरीके से हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल एंड हेड टेल। तो यहाँ पे सैंपल स्पेस देखें हम क्या हो जाएगा, एस सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो आउटकम्स क्या हैं, जबकि हमने 4 बार इसको टॉस किया है तो क्या क्या आ सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है आने की। तो यहाँ पे देखिए, एक आउटकम ये हो गया, चारों टॉस में क्या आ रहा है, हेड आ रहा है। नेक्स्ट आउटकम क्या हो गया, ये वाला हो गया, हेड 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 टेल, इसी तरीके से काउंट करते जाएंगे। थर्ड हो गया ये आपका, हेड 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 टेल एंड हेड टी एच। फोर्थ क्या हो गया, ये वाला हो गया, हेड हेड टेल एंड टेल, हेड हेड टेल एंड टेल। फिफ्थ क्या हो गया, फिफ्थ यहाँ पे हो गया ये, हेड टेल हेड हेड, हेड टेल हेड एंड हेड एंड सो ऑन। यहाँ पे देखिए लास्ट हम कैसे लिख सकते हैं, ये लास्ट हो गया आपका, ये वाला हो गया टेल 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 एंड टेल। तो यहाँ पे देखेंगे तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 16। तो सैंपल स्पेस के जो एलिमेंट्स होंगे वो 16 पॉसिबल इवेंट्स होंगी। इनको हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से काउंट कर सकते हैं। देखिए पहले केस में क्या होगा, हेड आएगा या टेल आएगा, 2 वेज हो गए आउटकम के। एंड सेकेंड केस में भी 2 हो गए, एंड थर्ड में भी 2 तरीके हो गए हेड या टेल आने के, फोर्थ में भी 2 तरीके हो गए हेड या टेल आने के। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए 16। तो यहाँ पे 16 पॉसिबल आउटकम्स होंगी। अब यहाँ पे हम लोग फोर्थ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। फोर्थ प्रॉब्लम में क्या है, फोर्थ प्रॉब्लम में सैंपल स्पेस बताना है, अ कॉइन इज टॉस्ड एंड अ डाई इज थ्रोन। तो पहली इवेंट क्या है, अ कॉइन इज टॉस्ड, कॉइन को टॉस करेंगे, आउटकम क्या क्या हो सकते हैं, हेड होगा या टेल होगा। एंड अ डाई इज थ्रोन, उसके बाद एक डाई को एक पासे को फेंका जाता है। तो पासे को फेंकने में, डाई को थ्रो करने में 6 आउटकम पॉसिबल हैं, 1, 2, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है एंड 6 आ सकता है। मान लिया टेल आ गया तो भी पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे देखें हम सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक आउटकम ये हो गया, पहले हेड आया फिर 1 आया, तो हम इसको इस तरीके से लिख रहे हैं, H1। सेकेंड क्या हो गया, H2, H3 थर्ड हो गया एंड सो ऑन H6। इसी तरीके से टेल के साथ क्या क्या आएगा, 1 आ सकता है, टेल 2 आ सकता है, टेल 3 आ सकता है, टेल 4, टेल 5 एंड
टिल 6, तो ये इस एक्सपेरिमेंट का सैम्पल स्पेस हो जाएगा। नेक्स्ट हम फिफ्थ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। फिफ्थ प्रॉब्लम में देखिए क्या है, अ कॉइन इज टॉस्ड एंड देन अ डाई इज रोल्ड ओनली इन केस अ हेड इज शोन ऑन द कॉइन। तो कॉइन को हम पहले टॉस करें, दो पॉसिबिलिटीज हैं, हेड आएगा या टेल आएगा। और डाई को कब हम थ्रो करेंगे, जबकि हेड आता है। तो हेड आने के बाद, अगर हेड आता है तो उसके बाद डाई को थ्रो किया जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ सकता है। अगर टेल आता है तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सैम्पल स्पेस को हम क्या लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, मीन्स हेड के साथ 1 आया, ये एक आउटकम हो गया, दूसरा हेड के साथ 2 आया, एच टू हो गया, एच थ्री, एच फोर, एच फाइव, एच सिक्स, ये सारे 6 आउटकम हो गए। यहाँ पे टेल आया तो एक्सपेरिमेंट टर्मिनेट हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ टेल आएगा।